किया है। नित्यानंद राय को दिल्ली का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। नंद किशोर यादव ने कहा है कि झारखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। झारखंड में नंद किशोर यादव को सह प्रभारी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके लिए। काम मिला है झारखंड के विकास के लिए। झारखंड की सरकार और भारत की सरकार दोनों ने मिलकर जितना काम किया है, इस बार का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा। पूरे झारखंड की जनता विकास के प्रति समर्पित होकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। मैं वहां जाऊंगा, मैं पहले भी वहां काम कर चुका हूं। आप जानते हैं जब मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था, उसमें दोनों बिहार एक था, झारखंड बिहार मिला के था। मेरे नीचे तक के कार्यकर्ताओं सीधा संबंध है और सब कार्यकर्ता एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। तो झारखंड का चुनाव प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को बनाया गया है और सह प्रभारी बनाया गया है नंद किशोर यादव को। दिल्ली का प्रकाश जावड़ेकर को प्रभारी बनाया गया है और सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नित्यानंद राय, इन्हें बनाया गया है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए उधर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा हो रही है। शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की चर्चा तेज हो गई है और इस बारे में शत्रुघ्न सिन्हा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी जो भी मिलेगी उसे वो निभाने के लिए तैयार है। उधर पटना में